अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम शेख साहब, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। मैं भी ठीक। नई बाइक ली है? बस यार, आपको तो पता है कॉलेज वगैरह जाना होता है तो फिर ज़रूरत थी इसलिए। कॉलेज में मजे हैं आपके। नई बाइक, अब ट्रीट कब दे रहे हो? ट्रीट देते हैं यार आपको, बस आप रेडी हो जाएं और चलते हैं फिर। मैं तो अभी फ्री हूँ, तो अभी चलते हैं। चलो फिर चलें। हाँ जी, तो आमिर भाई आप बताएं फिर आप क्या ऑर्डर किया जाए। स्पेशल पिज्जा कर लेते हैं। आप जो दिल चाह रहे हैं वो ऑर्डर करें आप, कोई जी जी आपको जनाब, वही करेंगे। साथ जिंगर कर लेते हैं, साथ ड्रिंक वगैरह कुछ। तो आमिर भाई आप स्टार्ट करें फिर आप भी, और एंजॉय करें फूड को। हाँ जी, तो अमित भाई हो गए हैं अब फुल। जी भाई, हो गया फुल, चलें फिर। हाँ बस चलते हैं, ये खाना जो बचा है इसको पैक करवा लेते हैं और साथ ले चलते हैं। यार इसका क्या पैक करवाना है, चल छोड़ चलते हैं। नहीं यार, हमने ये अपना खाना छोड़ा है, हमने इसको पे किया है और इसका बहुत से लोग वेट कर रहे हैं, तो हमें उन तक इसको पहुँचाना है, ये उनकी इमानत है। चल ठीक है यार, जो करना है तेरी मर्जी। और जी आ गए हैं फाइनली ऑर्डर। और अभी सीन कुछ ऐसा है, इसमें जो पीस हैं वो पूरे नहीं हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा। ये हाफ पीस है, हमने सिर्फ ऐसा शो करना है कि जैसे ये बचा हुआ हो और किसी को दे के, तो अभी आपको दिखाते हैं कि ये किसका हक है असल में। तो ये कैमरा भी हो जाएगा हिडन, क्योंकि हमने उनको फील नहीं करवाना कि वो खाते हैं कि नहीं, कि हम उनकी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये हिडन कैमरा होगा, तो बस है दूर से आपको शो करवाएंगे। पहले किसी को ढूंढेंगे यहाँ पे नज़दीक हम। तो अभी ये एक नज़र आए हैं हमें भाई, इनको देते हैं और देखते हैं हिडनली रिव्यू इनका। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है भाई सर थोड़ा? दे भाई भाई को एक, ये आपके लिए, आप इंजॉय करें इसे। हमारा कैमरा हिडनली लगा हुआ है, तो अब देखते हैं कि वो इसे खाते हैं कि जाया करते हैं। ओए 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 यार, उन्होंने उसको देखा नहीं कि वो पूरा है, आधा है, बचा हुआ है कि किस तरह है, उन्होंने वो खा लिया है। कि हमें इन लोगों का एहसास करना चाहिए और जो भी बचे हमें लाजमी लाजमी देना चाहिए। अब लीन तरजीह तो रेस्टोरेंट वालों की होनी चाहिए कि वो पैक करके दें आपको खाना, और अगर वो पैक करके नहीं देते तो आप अपना खाना खुद पैक करवा लें उनसे, लेकिन वो रेस्टोरेंट में ज़ाया ना करें, क्योंकि उन्होंने डस्टबिन में फेंक देना है, डस्टबिन में फेंक के वो सूख जाएगा और उन्होंने वो ही दोबारा बेच देना है, तो वो खाना ज़ाया ही होगा। यार आप भी प्लीज़ इनका ख्याल करें, इंसानियत के नाम। तो ये देखा अमित भाई, फिर इन लोगों को असल इस खाने की ज़रूरत थी, और हम अगर इसको ज़ाया कर देते तो इन तक ये ना पहुंच सकता, हमें चाहिए कि इनको दें। जी भैया आपने ठीक कहा, आपने मेरी सोच पर ली, हमने पैसा पे किए हुए थे उसके, तो हमें खाना हमने उसका पहुंचाया असल हकदार तक, तो हम किसी को करना चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए खाना। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ने भी इस बात पे अमल करना है। अल्लाह हाफिज़।